दोस्तों, अगर आपको यहाँ आना है तो यहाँ अच्छी अच्छे होटल मिल जाएंगे और कम रेट में होटल मिल जाएंगे रहने के लिए, जो कि जिनका किराया 800 से लेकर 1000 तक होगा 24 घंटे का, और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है यहाँ आने का, आप जहाँ से भी हैं। और हाँ, एक बात और, जिस रोड पर हम चल रहे हैं अभी, ये रोड एक टाइम पे नदी के बहाव कटाव में आ गया था, जिसकी वजह से पूरा रोड का रोड पूरा ख़त्म हो गया था, नीचे ढह गया था, पानी पानी में बह गया था। तो कुछ साल बाद मतलब यहाँ इस रोड के मतलब इस रोड को बनवाया गया, 1 साल लगभग लग गया था। ये देखो, यही रोड है जो बह गया था नदी के बहाव में। बढ़िया, अगर आपको काम करने भी यहाँ पर आना है तो फैक्ट्रियाँ बहुत है यहाँ पर, फैक्ट्रियों में आ सकते हैं आप, आपको आराम से कोई भी काम मिल सकता है। दवाइयाँ की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, और फिर से दिखाएंगे आपको एक बार और। और हाँ, एक बार और एक बात और बता दूँ आपको, ये जो नदी है, जो नदी के जो गुरुद्वारा है वो हरियाणा में है, उस साइड हरियाणा है, ठीक है ना, उस साइड हरियाणा है, और नदी के इस पार जिस साइड मैं खड़ा हूँ उस साइड हिमाचल है। इस साइड ये गाड़ी जो आ रही है ये हिमाचल में चल रही है, और उस साइड हरियाणा है, तो मतलब एक तरह से बॉर्डर भी है ये नदी, बॉर्डर का भी काम करती है। और अच्छा नज़ारा है यहाँ का, मैं तो यहाँ 2 बार आ चुका हूँ, मेरे रिलेशन में मेरी बुआ रहती है यहाँ पर, मैं यहाँ आता रहता हूँ। देखो कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, देखो पहाड़ों का, फिर से दिखाता हूँ पहाड़ों का। उधर देखो, ऊपर पहाड़ पे ट्रक भी चल रहे हैं, देखो सामने देखो, ठीक है ना, ये